नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और उस उपलक्ष में हम एक खास एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का हमारे राजस्थान से भी बहुत गहरा संबंध रहा है। ये विशेष चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ है जितेंद्र जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। सर, ये गुरु गोविंद जयंती पे खास उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या खास है। जयपुर के कछुआ राजाओं की सिख धर्म के गुरुओं के प्रति बहुत बड़ी गहरी श्रद्धा रही है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्राचीन पवित्र तलवार आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह तलवार सिरमौर रियासत के महाराजा वेदनी प्रकाश को सन 1674 में भेंट की थी। जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह जी की पत्नी महारानी पद्मनी देवी सिरमौर है, यानी भवानी सिंह जी का ससुराल सिरमौर है और वहाँ से ये तलवार पद्मनी देवी जी लेकर आई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की जब भी जयंती होती है तब सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र सभागार में इस तलवार की विशेष पूजा होती है। वैसे भी जब से ये तलवार आई है तब से ये पूजा गृह में रहती है, सिटी पैलेस के में। राजा लोग इसकी पूजा करते हैं, राज परिवार के लोग इसकी पूजा करते हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज धार्मिक यात्रा के दौरान आमेर आए थे। आमेर नरेश जय सिंह प्रथम ने गुरुदेव को नजराना पेश किया था और जड़िया कारीगरों की बनाई सोने में हीरे जड़ी तलवार उनको भेंट की थी। गुरु गोविंद सिंह जी 300 साथियों के साथ आए थे। आमेर से नारायणा होते हुए पुष्कर पहुंचे और पुष्कर में गोविंद घाट उनका ही बनवाया हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने नारायणा में दादू पंत के 5वें गुरु चेतराम महाराज से मुलाकात की थी। संयोग की बात है कि नरेना जाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी सावड़दा में भी रुके थे। यहाँ के गुरुद्वारा में गोविंद सिंह जी महाराज के उपदेशों का संग्रह भी मौजूद है। संत दादू दयाल जी की सिख अर्जुन गुरुदेव महाराज से मुलाकात थी। बालानंद मठ से जुड़े देवेंद्र भगत इस बारे में कहते हैं कि बालानंद जी और सिख गुरुओं के साथ पत्राचार भी हुआ था। रामानंद मठ में वो पत्राचार आज भी मौजूद है। कुंदन की जड़ाई के विश्वविख्यात कारीगर सरदार कुदरत सिंह के बेटे हैं इंद्र सिंह जी कुदरत। वो बताते हैं कि आमेर नरेश महाराजा मान सिंह प्रथम, जिन्होंने काबुल और कंधार और अफगानिस्तान को भी जीत लिया था और वो अकबर के सेनापति थे, उनके जमाने में सूर्यवंशी 5 कारीगरों को वो सरदार, जिसमें धन्ना सिंह, गोपाल सिंह, हजारी सिंह थे, उनको आमेर में लेकर के आए थे और आमेर में हवेलियां दी थी। और इस खानदान में पद्म श्री सरदार कुदरत सिंह जी है, उन्होंने कुंदन जड़ाई का विश्व प्रसिद्ध रिकॉर्ड कायम किया है। जयपुर की स्थापना के बाद परकोटे में 3 गुरुद्वारे स्थापित हुए जो सबसे पुराने हैं। इनमें चौड़ा रास्ता में जो सिखों की बगीची के नाम से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 10वीं वाणी का हस्तलिखित दुर्लभ ग्रंथ भी वहाँ पर रखा हुआ है। इस गुरुद्वारे का उस ग्रंथ की वजह से पूरे देश में बड़ा महत्व है। गुरुद्वारा को जड़ियों की बगीची भी कहते हैं। सिटी पैलेस की रसोई में इस गुरुद्वारे के कुएं का पानी कभी जाया करता था, इतना शुद्ध पानी था इस कुएं का। कावड़ जाती थी, कावड़ ये कावड़ लेकर के जाते थे। सरदार हजारी सिंह, मास्टर रावल सिंह, सरदार करतार सिंह, सरदार कुदरत सिंह ने अपनी सेवाएं दी। कुंदन की मीनाकारी पर संसार में नाम कमाया। रामगंज बाजार में हीदा की मोरी का तीसरा बड़ा गुरुद्वारा भी है। प्राचीन आमेर राजा जय सिंह प्रथम की सिख गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा रही है। वह सिख धर्म के 8वें गुरु हरिकृष्ण साहब के अनन्य भक्त बन गए थे। जय सिंह ने 1664 में गुरु हरिकृष्ण साहब जो है उनको दिल्ली के जय सिंहपुरा स्थित महल में बुलाकर उनसे धार्मिक शिक्षा ग्रहण की थी। जयपुर के जय सिंहपुरा में जो हवेली बनी हुई है, गढ़ बना हुआ है, वो और दिल्ली का जो गुरुद्वारा बंगला साहब है वो एक ही तरह का नक्शे के ऊपर बने हुए हैं।
तो दिल्ली वाला जो गुरुद्वारा है बगला साहब का, वो गुरु जी के चरणों में रख दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जयपुर में बहुत बहुत कृपा रही होगी। बेहद रोचक जानकारी दी आपने। तो दर्शकों, इसी प्रकार से रोचक किस्से कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना।